थैंक यू सो मच माय यूट्यूब फैमिली फॉर वाचिंग एलेक्स वाला इंडिया। आप सब के लिए एक नेगेटिव अपडेट है एंड एक पॉजिटिव अपडेट है बाय आईडीपी समझ लो या फिर एलेक्स वाला इंडिया की तरफ से समझ लो। जिन बच्चों का एग्ज़ाम इन द फ्यूचर अप्रैल मंथ में होने वाला है, आई नो दैट कि बहुत सारे बच्चे हार्डवर्क कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे मेहनत कर रहे हैं। मेहनत करने के बाद अगर उनको रिजल्ट उनका पॉजिटिव नहीं मिलता तो वो नेगेटिव हो जाते हैं कि एक्चुअल में मेरा एग्ज़ाम ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा हुआ था। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जो बच्चे ऑलरेडी इस चैनल के साथ जुड़े हैं उन सबको पता है कि बाय ग्रेस ऑफ गॉड हमारी प्रेडिक्शन ट्रू जाती है रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग, और जिसकी वजह से आज हमारा चैनल बहुत आगे तक जा रहा है बाय आपकी सपोर्ट की वजह से, आपके प्यार की वजह से। तो हमारी भी ड्यूटी बनती है आप लोगों का डिज़ायर बैंड स्कोर लेकर आना। बहुत सारे बच्चे प्रेशर में आ जाते हैं, जैसे जैसे नियर एग्ज़ाम आता है प्रेशर आने की वजह से वो नेगेटिव भी सोचते हैं, पॉजिटिव भी सोचते हैं। और अगर मेरी बात करूँ तो मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, हम बार बार एग्ज़ाम फिल नहीं कर सकते, हम ओनली एक बार ही एग्ज़ाम फिल कर सकते हैं। 15,500 रुपये 15,500 रुपीज़ हमारी मिडिल क्लास फैमिली के लिए पे करना बार बार काफ़ी ज़्यादा टफ है। कोई जमीन गहने धरता है, कोई आड़ती से पकड़ता है, कोई ब्याज पे पकड़ता है। अगर आप फर्स्ट टाइम पहली बार में बच्चे अपना आईएलएस एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हो तो इस चैनल के साथ जुड़ सकते हो। मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ कि आपका डिज़ायर बैंड स्कोर आएगा। जैसे जैसे हम आपको गाइड करेंगे, जैसे जैसे हम आपको नॉलेज देंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वैसे फॉलो करनी है। तो मस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल, इग्नोर मत करो, कर दो सब्सक्राइब, उसके बाद जो होगा आपके लिए पॉजिटिव ही होगा 100%। और रिसेंटली मैंने काफ़ी बच्चों से बात की जिन बच्चों का अभी रिसेंट एग्ज़ाम हुआ था और उनका अभी जस्ट 2-4 दिन पहले रिजल्ट आया है और काफ़ी ज़्यादा वो परेशान थे। उन्होंने जस्ट मेरे से कुछ चीज़ें पूछी, मैंने उनको उनका जवाब दिया। आफ्टर उन्होंने बोला कि सर मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आता था, रीडिंग में मेरा बैंड स्कोर बहुत अच्छा था, लिसनिंग में मेरा बैंड स्कोर बहुत अच्छा था, अब मेरा रिजल्ट बहुत बैड आया तो मैं क्या करूँ। तो हमने क्या किया, हमारी टीम ने हमने उनका EOR फिल करवाई। जब EOR फिल करवाई, मैंने खुद अपनी मेल के द्वारा EOR उन बच्चों की फिल की, और फिल करने के बाद जो रिज़ल्ट हमारे सामने आया वो बिल्कुल ऑपोजिट आया। बच्चे रिज़ल्ट ये था कि जहाँ पर उन्होंने ट्रू फॉल्स नॉट गिवन लगाने थे वहाँ पर उन्होंने यस नो लगा दिए, और जहाँ पर यस नो लगाने थे वहाँ पर उन्होंने ट्रू फॉल्स नॉट गिवन लगा दिए। तो मेरी आप सबसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ऊपर जो दी गई स्टेटमेंट है उसको 100% जरूर रीड आउट करें कि एक्चुअल में मेरे से क्वेश्चन क्या पूछा गया है और मुझे इस चीज़ का जवाब क्या देना है। बच्चे ये छोटी सी मिस्टेक की वजह से उनका टाइम वेस्ट हुआ, 15,500 रुपये वेस्ट हुए, और इसके अलावा और भी कई जो फीस 9,000 रुपये वो फिल करते थे वो सभी की सभी उन बच्चों की वेस्ट चली गई जस्ट एक मिस्टेक की वजह से। तो अगर आपका इन फ्यूचर एग्ज़ाम है तो प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल आप काफ़ी डार्क लिख कर आएँ, और जो सैकंड बच्चों ने गलती की थी उन्होंने कैपिटल अक्षरों में नहीं लिखा, स्मॉल अक्षरों में अपनी आंसर शीट लिख दिए, जिसकी वजह से कंप्यूटर को समझ में नहीं आया राइट आंसर कौन सा है, रॉन्ग आंसर कौन सा है। तो प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखें, कैपिटल अक्षरों में हमें सब कुछ फिलअप करना होता है, और इन चीज़ों को अगर आप थोड़ी सी मिस्टेक हमारी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल तो नहीं हो सकती, हमारे लिए नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी लाइफ के ऊपर, हमारे करियर के ऊपर पै सकता है। तो बी अवेयर, मस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज़, फॉर मोर नोटिफिकेशंस, और ऑल द टाइम आईएलएस वाला इंडिया आपकी सपोर्ट के लिए न्यूज़ प्लस पॉजिटिविटी लेकर आता रहेगा। नेवर गिव अप, ऑल द टाइम हमेशा पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव रहें, अच्छा सोचें एंड अच्छे लोगों के साथ रहें ऑल द टाइम। जो चीज़ें आप लोगों के साथ मटेरियल, लिसनिंग टेस्ट, रीडिंग टेस्ट, राइटिंग जो आप लोगों के साथ शेयर किए जाते हैं एवरी डे, तो प्लीज़ उनको जरूर प्रिपेयर करें कि एवरी डे प्रैक्टिस जरूर करें। तो कीप सपोर्टिंग, कीप लव, थैंक यू सो मच।